देखो आजकल इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं कि 0.5 उसके बाद पॉइंट के बाद एक टर्म और बढ़ा देगा, जीरो फिर एक और टर्म बढ़ा देगा, मतलब अगर पॉइंट के बाद टर्म का रिपीटेशन और उनका सम। देखो ये क्वेश्चन देखने में ही भयानक लगते हैं, वास्तव में होते नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको क्या करना है सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने के लिए, जो लास्ट टर्म उसको लिख लो, ठीक है फिर 5 और 5 कितना हो गया 10, कैरी 1, उसके बाद 5 5 10 और 10 और 5 15, 15 और 1 16, कितने के बाद पॉइंट था भाई 3 के बाद, तो 1 2 3, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसी इस ट्रिक का यूज करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट सेशन में देना है, और अगर मेरे कॉन्सेप्ट पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब HM क्लासेस।